अरुण जेटली, कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, किरण बेदी, मीरा कुमार. These are the famous alumni of the college for which I am speaking today, and the list doesn't stop here. In fact, around 80% of the Delhi High Court judges are alumni of this college. आज हम बात कर रहे हैं Delhi University की Law Faculty के Campus Law Center की, जिसे CLC के नाम से भी जाना जाता है. Hello and welcome to Shiksha.com. I am Deepak Singh with you. Campus Law Center was established in 1924 and has been accredited by NAAC. The college has also been ranked as the best law college of India by national magazines like Outlook and India Today. आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि आखिर कैंपस लॉ सेंटर लॉ के स्टूडेंट्स के लिए कैसा कॉलेज है. हम देखेंगे स्टूडेंट रिव्यूज को जो उन्होंने दिए हैं शिक्षा.com पर, और एनालाइज करेंगे इस कॉलेज के नफा नुकसान. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो CLC के पास दो बिल्डिंग्स हैं. वन इज नोन एज CLC एंड द अदर वन इज नोन एज लॉ सेंटर एंड हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स. कुछ बच्चों के मन में दुविधा चलती है कि CLC की मेन बिल्डिंग में एडमिशन लेना ठीक है, लॉ सेंटर 1 में ठीक रहेगा लॉ पढ़ना, या फिर लॉ सेंटर 2 में. तो मैं यहां पर ये क्लियर करना चाहूंगा कि तीनों ही में सेम तरह का कोर्स पढ़ाया जाता है, बस टाइमिंग में थोड़ा ऊपर नीचे फर्क है. और CLC की बिल्डिंग थोड़ी पुरानी है, तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको थोड़ा पुराना मिल सकता है. CLC और लॉ सेंटर 2 की टाइमिंग 8 AM टू 2:30 PM होती है, वहीं लॉ सेंटर 1 की टाइमिंग स्टार्ट होती है 2 PM से, और जो की क्लासेस चलती है 7 PM तक. फैकल्टी तीनों में ही सेम रहती है. जो फैकल्टी आपको मेन कैंपस लॉ सेंटर की बिल्डिंग में पढ़ाएगी, वही फैकल्टी घूम फिर के दूसरे टाइम पर आपको लॉ सेंटर 1 और लॉ सेंटर 2 में पढ़ाएगी. इसलिए फैकल्टी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और इनफैक्ट डिग्री भी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेम टू सेम मिलेगी. CLC की बिल्डिंग जैसे मैंने आपको बताया कि पुरानी हो चुकी है, तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत या फिर आपको उतना पसंद नहीं आएगा जितना आपको LC1 और LC2 का इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, क्योंकि वहां पर कुछ एडिशनल फैसिलिटीज हैं जैसे कि RO सिस्टम है, लिफ्ट है, वाईफाई है, इस तरह की एक्सेस आपको वहां पर मिल जाती है. फूड सर्व्ड इन द कैंटीन हियर इज ऑफ एवरेज क्वालिटी, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब. लाइब्रेरी हैज अ गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स, बट स्टूडेंट्स से दैट लाइब्रेरी नीड्स टू बी मॉडर्नाइज्ड. यहां पर अ लॉट मोर न्यू एडिशंस आर रिक्वायर्ड. फैकल्टी ऑफ लॉ कैंपस लॉ सेंटर में कोई डेडिकेटेड हॉस्टल नहीं है, बट स्टूडेंट्स आर अलॉटेड टू डिफरेंट हॉस्टल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू देयर रैंक इन एंट्रेंस एग्जाम एंड एज पर देयर कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन. हॉस्टल स्टूडेंट्स हॉस्टल के बारे में रिव्यू देते हैं कि हॉस्टल फैसिलिटीज अच्छी हैं, और अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो आपको किसी भी तरीके से यहां पर कोई परेशानी डे टू डे लाइफ में नहीं पैदा होगी. एंड स्टूडेंट फेस्टिवल्स के चाहने वालों के लिए CLC की लोकेशन गजब की है. ये नॉर्थ कैंपस में सेंट्रली लोकेटेड है, तो आप आजू बाजू के कॉलेजेस में अगर घूमने फिरने के शौकीन है या फिर सड़कों पर या मार्केट में निकलना आपको पसंद है, तो आप आराम से निकलकर अदर कैंपसेस में जाकर उनके फेस्ट का मजा ले सकते हैं. कैंपस लॉ सेंटर के प्लेसमेंट डिवीजन से आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि यहां के स्टूडेंट का खुद का कहना है कि यहां पर लॉ कंप्लीट करने के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स या तो खुद की प्रैक्टिस करते हैं या फिर फर्दर एजुकेशन के लिए या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में आगे चले जाते हैं. बट स्टिल द कैंपस हैज अ प्लेसमेंट असिस्टेंस काउंसिल व्हिच ब्रिंग्स इन कंपनीज लाइक NGOs, कॉर्पोरेट फर्म्स, लॉ फर्म्स फॉर यू टू गेट प्लेस्ड. मेनी स्टूडेंट्स जॉइन CLC टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, कि अगर किसी कारणवश सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में सिलेक्शन नहीं होता है, दे शुड हैव अ फॉलबैक ऑप्शन ऑफ लॉ इन देयर लाइफ. और यही रीजन है कि लगभग 500-600 फाइनल स्टूडेंट्स में से सिर्फ 20% स्टूडेंट्स प्लेसमेंट में बैठते हैं, जिसमें से कि आधे बच्चों का प्लेसमेंट हो पाता है. द एवरेज पैकेज एज पर करंट ट्रेंड इज अराउंड 4.5 लाख रुपीस पर एनम, व्हिच कैन गो अप टू रुपीस 20 लाख पर एनम. फैकल्टी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि तीनों ही में CLC, लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2 में बदल बदल के आपको पढ़ाती है, बस टाइमिंग चेंज हो जाती है. और अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी काफी अच्छी है. इवन सम ऑफ द फैकल्टीज आर फॉर्मर जजेस एज वेल. गिवन इट्स लोकेशन CLC हैज एक्सेसिबिलिटी टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इसलिए CLC की बहुत सारे एलुमनाई जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वो भी CLC में एज अ गेस्ट फैकल्टी के रूप में रेगुलरली आते रहते हैं. अब जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी परीक्षा, इसलिए CLC में पास करना, लॉ पास करना उतना आसान नहीं है जितना एक एवरेज लॉ स्कूल में होता है. यहां पर सेमेस्टर एग्जाम्स काफी टफ माने जाते हैं. इवन टॉपर्स एंड अप विद अराउंड 60% मार्क्स. CLC में तीन तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, LLB, LLM और PhD. और इनकी फीस बहुत ज्यादा शॉकिंग है, इतनी है कि आप सुनकर यही कहेंगे कि अगर मुझे LLB में एडमिशन लेना है तो CLC में ही लेना है और कहीं नहीं जाना है. द फीस इन CLC फॉर ऑल द कोर्सेज हियर इज अराउंड ₹5,000 पर ईयर.
एडमिशन यहां पर होता है DULLB CET एग्जाम के जरिए, विच इज कंडक्टेड बाय द लॉ फैकल्टी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन इनटू ऑल इट्स 3 सेंटर्स. मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स अपीयर फॉर सीट्स विच नंबर अराउंड 2,300. सो गेटिंग इनटू CLC इज डेफिनेटली नॉट अ केक वॉक. अब देखते हैं शिक्षा.com पर स्टूडेंट्स ने CLC को क्या रेटिंग दी है. तो रेटिंग मिली है 4 out of 5 स्टार्स. द मूड कोर्ट सोसाइटी विच ऑर्गेनाइजेज द फेमस KK लूथरा मेमोरियल इंटरनेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन, द सेमिनार एंड डिस्कशन Society and the Legal Aid Society continuously contribute to the overall skill development of the students at CLC. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे रिव्यू उन रिव्यूज पर बेस्ड है जो कि स्टूडेंट्स ने शिक्षा.com पर दिए हैं. इसलिए अगर आपको भी लगता है कि इसी कॉलेज के बारे में आपको भी रिव्यू देना है तो आप शिक्षा.com पर जाकर अपना रिव्यू दे सकते हैं. तो ये था एक टॉप लॉ कॉलेज का हमारा रिव्यू. आपको कैसा लगा ये रिव्यू हमें जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में. और इस तरह के वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, अगर आपको लगता है कि हमें किसी और कॉलेज का रिव्यू करना चाहिए, वो भी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. Thanks for watching.